2 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी को अंबानी ने 1260 करोड़ में क्यों खरीदा। हेलो गाइज, वेलकम टू अनरेवल। माय नेम इज सुरेश शर्मा और आज हम बात करेंगे व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या फ्यूचर है? नीति आयोग के द्वारा 80% मार्केट 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स सारे इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, 40% तक बसेस इलेक्ट्रिक हो जाएंगी और 30-70% तक कार इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। बहुत सारी कंपनीज ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया है मार्केट में और मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ वो प्रॉब्लम है बैटरी की। और जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होती है उसका नाम है लिथियम आयन बैटरीज। जो लिथियम आयन बैटरीज है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेजर जो 3 प्रॉब्लम्स है वो आज मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है कि वो बहुत ज्यादा ओवर हीट करती है, सेकेंड है कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और थर्ड उसकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा कम है। वो सिर्फ 2-3 ईयर्स ही उसकी लाइफ स्पेन है और वो 300-500 टाइम तक चार्जेबल है। और रिसर्चर्स अभी इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और जो इसका अल्टरनेटिव हो सकता है वो ये है कि सोडियम आयन बैटरीज का यूज़ हो सकता है लिथियम आयन बैटरीज के एक्सचेंज में। जो सोडियम आयन बैटरीज है वो बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट बैटरीज हैं, सेकेंड वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, उनको हीट से और ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनका एक ही डिसएडवांटेज है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। अब आते हैं कि रिलायंस ने 1260 करोड़ में इतनी महंगी डील क्यों की उस कंपनी को खरीदने में। जो सोडियम आयन बैटरीज को बनाने का जो कॉपीराइट है वो सिर्फ 2 कंपनीज के पास है पूरे वर्ल्ड में। और 2 कंपनीज हैं, पहली कंपनी है एक चाइना बेस्ड कंपनी है, सेकंड जो है वो यूके बेस्ड कंपनी है। जो यूके बेस्ड कंपनी है उसका नाम है फेरेडियन। अंबानी ने 1260 करोड़ की जो कंपनी खरीदी है वो इसका रीज़न यही है कि कॉपीराइट है उनके पास सोडियम आयन बैटरीज को बनाने का। और जो रिसर्चर्स हैं उनका भी यही कहना है कि लिथियम आयन बैटरीज का अल्टरनेटिव एक ही हो सकता है, वो सोडियम आयन बैटरीज हैं। अगर ऐसा होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है अपने इंडिया का, तो अंबानी के पास मोनोपोली आ जाएगी सोडियम आयन बैटरीज को बनाने की। सो गाइज, अब आप बताइए कि अंबानी जी ने ये कंपनी को खरीद के सही किया है कि गलत किया है। और प्लीज़ आपके पूरे व्यूज़, जो भी व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।